हेलो स्टूडेंट्स हेयर आई एम बैक विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इससे पहले मैं आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि रिचर्ड एब्राइट नाम का एक साइंटिस्ट हैं जो बहुत कम उम्र में उन्होंने बचपन से ही रिसर्च करनी शुरू कर दी तो किस तरह से उन्होंने कौन कौन से यहाँ तक हम इसको डिस्कस कर चुके हैं येस स्टिल हेयर आई हैव डिस्कस्ड येस दिस पेज आई हैव डिस्कस्ड कि uh, किस किस तरह से इब्राइट जो हैं वो साइंटिस्ट बनने की राह पर चलते रहे तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया था कि उन्होंने वाइस रॉय और मुनाक बटरफ्लाई के ऊपर रिसर्च की हिज फैसिनेशन अबाउट द बटरफ्लाईज ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम यहाँ तक मैं आपको पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ अब मैं इससे आगे जो है वो डिस्कस करने जा रही हूँ सी इन इज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल रिचड एब्राइट बिग्न द रिसर्च दैट लेट टू इज डिस्कवरी ऑफ एन अन नोन इंसेक्ट हॉर्मोन इन डायरेक्टली इट ऑल्सो लेट टू इज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स तो सेकेंड ईयर हाई स्कूल में जब वो पहुंचे रिचर्ड एब्राइट तो उन्होंने रिसर्च विज्ञान की दैट लेट टू इज डिस्कवरी ऑफ एन अन नोन इंसेक्ट हॉमोन ठीक है तब उनको एक अनोन इंसेक्ट हॉर्मोन के बारे में उन्होंने डिस्कस किया वहाँ पर सी इनडायरेक्टली और इससे भी उनको एक नई थ्योरी मिली एक लाइफ सेल्स के ऊपर ये स्टूडेंट थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है लेट मी क्लोज द डोर यहाँ से ओके नाउ सी द क्वेश्चन यू ट्राई टू आंसर वॉज वेरी सिंपल उसमें जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा वो बहुत ही सिंपल था ओके वॉट इज द प पर्पज ऑफ द ट्वेल्थ टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ऑन अ मोना प्यपर यहाँ पर उन्होंने ये डिस्कस किया उन्होंने एक लाइफ सेल्स की थ्योरी ठीक है लाइफ सेल सेल थ्योरी क्या होती है शुरू में आपको बताया गया था एट द एज ऑफ ट्वेंटी टू रिचर्ड इब्राइट ने एक न्यू थ्योरी दी है अबाउट सेल अब कैसे वो वहाँ तक पहुँचे उन्होंने देखा कि जो कैटरपिलर है मुनाक का ठीक है प्यूपा है उसके ऊपर ट्वेल्व गोल्ड स्पॉट्स हैं इनका क्या पर्पज़ है द क्वेश्चन ई ट्राई टू आंसर वॉज वेरी सिंपल वॉट इज द पर्पज ऑफ ट्वेल्व टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन मोनार्क प्यूपा Everyone assumed the spots were just ornamental. Ornamental means सजावट के लिए सुंदरता के लिए सब ये कहते थे कि ये तो भगवान ने इसको सुंदरता दी है इन गोल्ड स्पॉट सेट बट डॉक्टर जो डॉक्टर थे, वो कहते थे कि नहीं कुछ तो है इनका पर्पज सो टू फाइंड द आंसरेंट साइंस स्टूडेंट फाइंड है डिवाइस दैट शोड दैट द स्पॉट वर प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाईज फुल डिवेलपमेंट यस प्यूपा के बाद बटरफ्लाई बनता है तो फिर उन्होंने एक डिवाइस बनाया जिससे उनको ये पता चला कि वो डिवाइस जो है वो एक उस डिवाइस से ये पता चला कि वो जो गोल्ड स्पॉट्स हैं वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि वो एक बड़ा बटरफ्लाई बनता है दिस प्रोजेक्ट वन ए ब्राइट फर्स्ट प्लेस इन काउंटी फेयर एंड एंट्री इन इंटरनेशनल साइंस एंड एंजीनियरिंग फेयर वहाँ से उसको एंट्री मिली साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में एंड देर यू वन थर्ड प्लेस फॉर जुलॉजी

इंटरनेशनल साइंस fair एंड gave him another चांस टू वर्क इन द आर्मी laboratory during द समर फिर उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता और फर्स्ट प्राइज जीतने वाले को आर्मी लेबॉरटरी में फिर से काम करने का टाइम मिलता था इन इज सीनियर ईयर ही वेंट स्टेप फर्दर अगले साल वो और आगे बढ़े ही ग्री सेल्स फ्रॉम अ मोनाक्स विंग इन अ कल्चर उन्होंने सेल ग्रो किया मोनाक् के विंग से एंड शोड दैट सेल्स वो डिवाइड एंड डेवलप इन टू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स ओनली इफ देवर वर फेड द हारमोन दैट द गोल्ड स्पॉट्स कहीं अगर हम उनमें से सेल उठा लें उसके uh, इसके uh, इसमें से सेल ले लें मुनाक में से उसके विंग में से और उसको उस हार्मोन से फीड करें तो वो उसके विंग्स के स्केल्स को ग्रो कर लेता था See, That project won first place for Zulazi at the International Fair. He spent the summer after graduation doing further work at the Army Laboratory and the Laboratory of US Department of Agriculture. See. Yaha Parfi Rusne Jo theory find out. Ki usko aage now, the following summer, after the, his freshman year at Harvard University, Abunon University joined Kali, a bride went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone of the gold spots. They keep it hormone. Using the laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify hormone's chemical structure. उसने वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर उनको जो लेबोरेटरी uh, के थे उसको अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स uh, मिल रहे थे तो उनको उसने उसने हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर निकाल लिया अ ईयर एंड अ हाफ लेटर ड्यूरिंग इज जूनियर ईयर इब्राइट गॉट द आइडिया ऑफ इज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ और उनको एक न्यू थ्योरी मिल गई सेल लाइफ की इट केम वाइल्ड ही वॉज लुकिंग एट एक्स रे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन एक नई थ्योरी का जब वो एक्स रे फोटो उसने निकाला तो सेल लाइफ के बारे में एक नई थ्योरी मिली When he saw these photos, Ibray did not shout "You rake" or even "I have got it." जब कुछ नई चीज़ मिलती है ना तो हम चिलाते "Wow, I have got it." But he believed that along with his findings about insect hormones, the photos gave him an answer to one biology puzzles. क्योंकि उसके साथ साथ उसे बायोलॉजी की एक पसल का आंसर भी मिला था। वो क्या पसल था? How the cell can read the blueprint of its DNA. कह रहे DNA की थ्योरी आप जानते हैं डीएनए क्या होता है डीएनए बहुत साल पुराने फॉसिल्स का भी डीएनए लेकर हम पता कर लेते हैं कि वो कितने साल पुराना है किसका है हेरिडिटी क्या है उसकी लेकिन सेल डीएनए को रीड कैसे करता है ये इन्होंने फाइंड आउट किया डीएनए इज़ द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल डीएनए सेल के न्यूक्लियस में एक सब्सटेंस होता है जो हमारी हेरिडिटी यानी हमारा वंश बताता है कि हम क्या हैं कौन है जानवर है इंसान है या जानवर है तो कैसे हैं इंसान है तो कहाँ से बिलोंग करते हैं इट डिटर्मिन फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल और वो सेल का डिटर्मिन करता है फॉर्म एंड फंक्शन दस डी एन एज द ब्लू प्रिंट फॉर लाइफ ये उन्होंने साबित कर दिया नाउ सी एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग ये वेरी इंपॉर्टेंट इन्होंने फिर इसके ऊपर रिसर्च शुरू की वर्क ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स उन्होंने मॉडल्स कंस्ट्रक्ट किए जिसमें मॉलिक्यूल्स का मॉडल था शो हाउ इट कुड हैपन टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी यही पेपर उनका उस जर्नल में छपा था सरप्राइजिंग नो वन न्यू हिम रिचर्ड को कोई नहीं जानता था ही ग्रेजुएटेड फ्राम हार्वर्ड विद हाईस्ट ऑनर्स और देखो उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की सेकेंड इन इज क्लास क्लास में उनका सेकेंड नंबर था और वो क्लास थी पंद्रह सौ दस स्टूडेंट्स की ए ब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्च एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल एंड देन ही बिगे देर ही बिगेन टू डूइंग एक्सपेरमेंट्स टू टेस्ट हिस् थ्योरी अब अपनी थ्योरी की टेस्टिंग के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आगे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एडमिशन ली इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट अगर ये थ्योरी सही हो जाती इट विल बिग स्टेप टू वर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ इट माइड ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग समाइम्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीजेस इससे हमें कुछ डिजीजेस को भी हम रोक सकते थे ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ए ब्राइट साइंटिफिक क्यूरसिटी ये सब चीज़ किस लिए हुई क्योंकि उसके, उसके अंदर एक साइंटिफिक क्यूरसिटी थी His high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. Us pupa ke gold spots ke karte, karte, wo cell life tak ke. Richard DeBright has been interested in science since his first began collection of butterflies. But not so deeply that he hasn't time for other interests. Yes students, baar students time nahi See, Richard Bright apna Uh, ये कर रहे थे अपनी रिसर्च भी करते थे एंड ही बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर बहुत अच्छे डिबेटर थे पब्लिक स्पीकर थे एंड गुड कैनोइस्ट कैनोइट कौन होता है जो बोट में वो जो बोट होती है ना जो हाथ से चलती है उसको लिए एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन आउटडोर एक्टिविटीज़ में बहुत आगे थे वो मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट हुई थी रिचर्ड ब्राइट e. की

उन्होंने मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स को ज्वाइन कियाउंड उन्हें एक इंसान मिले जिनको वो बहुत मानते थे रिचर्ड ए वेरर हे सोशल स्टडीज टीचर वो कौन थे उनके सोशल स्टडी के टीचर एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स ऑल्सो मिस्टर वेरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन कह रहे मेरे लिए सोशल साइंस के टीचर ने ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज ए ब्राइट साइड उनके वो एक साइंटिस्ट बना दिया

टाइम लगाते थे रात को तीन चार घंटे लगाते थे और साथ में अपनी बटरफ्लाइज की रिसर्च भी कर रहे हैं और डिबेट की रिसर्च भी कर रहे हैं सी कितना मतलब हम बोलते हैं जी हमें सोने के लिए टाइम नहीं मिलता हमें ये काम करने के लिए टाइम नहीं मिलता रिचर्ड ने कैसे टाइम मैनेजमेंट की होगी और आउटडोर एक्टिविटीज़ भी करते थे नाउ सी Richard was competitive. Mr. continued. Now these two last two last paragraphs are very important, students. आपको पता चलेगा आपके लिए एक मैसेज है Mr. वेर continued, but not in a bad sense. कह रहे वो कॉम्पिटिटिव थे लेकिन गलत इराद सेंस में नहीं कई बार कॉम्पिटिशन जीतने के लिए हम लोग गलत काम करते हैं अपने ओपोनेंट को नुकसान पहुँचाते हैं नो no. He explained Richard wasn't interested in winning for winning sake. जीतने के लिए नहीं जीतते थे, but uh, yeah to get a prize. Rather he was winning because he wanted to do the best job he could. बल्कि अपने आप को best prove करने के लिए. And for the right reasons he wants to be the best. This is very important students. एक अच्छा scientist. Right reasons होने बहुत जरूरी हैं. आपने एक chapter पढ़ा Footprints without feet. उसमें भी एक साइंटिस्ट uh, था ग्रिफिन बट ग्रिफिन कैसा था ही वॉज अ लॉ लेस पर्सन वो बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं था वो साइंटिस्ट तो बहुत अच्छा था लेकिन वो इंसान अच्छा नहीं था उसने जो भी अपनी साइंटिफिक इन्वेंशंस uh, की उनको उसने गलत काम की तरह इस्तेमाल किया इवन अ बिग टेररिस्ट बहुत सारे बड़े बड़े टेररिस्ट हैं वो अच्छे साइंटिस्ट वो एक साइंटिस्ट होते हैं लेकिन वो अच्छे इंसान नहीं होते तो रिचर्ड एब्राइट जो थे ये एक अच्छे इंसान थे ये जो इन्होंने ये जब साइंटिस्ट uh, uh, बने फॉर द राइट रीजन एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रीडियंट इज मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट कहते और ये बहुत जरूरी है एक अच्छे साइंटिस्ट के लिए स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड माइंड शार्प होना चाहिए उसमें थोड़ी सी क्यूरोसिटी ऐड करिए एंड मिक्स इन द विल टू विन और उसमें जीतने की इच्छा आ जाए फॉर द राइट रीजंस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स For the right reasons. Yes, reasons are jo, bhi research kar rahe hai, uska ek, jo aapka motive A bright has all these qualities. A bright all these qualities. Thi. First rate mind, curiosity, will to mix, and right reasons. And from the time the book The Travels of Monarch X opened the world of science to him, Richard Ebright bright has never lost his scientific curiosity. उसके बाद उन्होंने अपनी साइंटिफिक क्यूरोसिटी को कभी भी लूज नहीं होने दिया और इस तरह से वो आगे बढ़ते गए एंड ही बिकेम अ परफेक्ट साइंटिस्ट नाउ दिस चैप्टर इज बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन नाउ स्टूडेंट्स आई थिंक द होल चैप्टर इज वेरी मच क्लियर टू यू आई हैव ट्राइड टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग हियर आर सम वर्ड मीनिंग्स लीग्स ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्स काउंटी रीजन स्टार्लिंग आई हैव टोल्ड यू कॉमन यूरोपियन ब्लर्ड एक बर्ड है विद ब्लैक ब्राउन स्पॉटेड प्लूमेज प्लूमेजिस होती है उसके पीछे जो उसकी पूछ टाइप होती है विद नेस्ट नियर बिल्डिंग्स एंटोमोलॉजी मीन स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स यू रेका क्राई ऑफ ट्रेम्फ क्राई ऑफ ट्राइम कैनो इजन पैडल्स अ कैनो कैनो होता एक लाइट बोट मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी है ओके हाउ कैन बिकम अ साइंटिस्ट एंड एकानमिस्ट अ हिस्टोरियन डज इट सिंपली इन्वॉल्व रीडिंग मैनी बुक्स ऑन द सब्जेक्ट और डज इट इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग थिंकिंग येस यही चीज़ आई थी जो उसने समझी थी फ्रॉग टिश्यूज के बारे में पढ़ा उसको डिस्प्ले कर दिया दैट इज नॉट अ रिसर्च अगर आपको एक अच्छा इकोनॉमिस्ट बनना है साइंटिस्ट बनना है हिस्टोरियन बनना है यू नीड टू डू सम रिसर्च स्टूडेंट्स देन यू मस्ट हैबाउट सेल्स एन डी एन ए न्यू साइंस बुक्स नाउ अब आपने रिचर्ड ने जो इसमें डिस्कशन जो इसमें थ्योरी लाई जो रिसर्च की उसको आप आपने जो पढ़ा है डी एन ए के बारे में उसको आप दोनों चीज़ों को कंपेयर करके स्टडी कर सकते हैं ओके okay? अब इस तरह से बेटा ये चैप्टर अब यहाँ पर ख़त्म होता है आई थिंक आई हैव ट्राइड माई बेस्ट माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड एंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट इन दिस चैप्टर इसका मैसेज भी आपको बहुत क्लियर है कि कोई भी काम करना है उसके लिए एक लगातार मेहनत ज़रूरी है एक माइंड जरूरी है क्यूरोसिटी जरूरी है एंड फॉर द राइट रीजंस डोंट फॉरगेट दिस टर्म राइट रीजंस अच्छे काम अच्छा मोटिव होना भी बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स नाउ आई थिंक दिस दिस चैप्टर इज़ वेरी मच क्लियर टू यू इफ़ यू आर इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन सेंड इट यू कैन सेंड योर क्वेरी इन माई दिस कमेंट बॉक्स आई विल ट्राई टू माई आ गिव द आंसर ऑफ योर क्वेरीज और अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है देन अगेन वॉच माई वीडियोज़ लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए मेरी दोनों वीडियोज़ देखना आपके लिए ज़रूरी है तो दोनों को देखिए तभी आप कंप्लीट चैप्टर समझ पाएंगे दूसरा आप अगर एक बार में भी नहीं समझ आता तो स्टूडेंट आप वापस देखिए उसको है ना दोबारा देखिए देन यू विल कम टू नो no. क्योंकि कुछ ये वर्ड्स यहाँ पर हैं साइंटिफिक है ये चैप्टर इसलिए उसको थोड़ा सा बार बार देखने से समझने में वो समझ में आएगा बिकॉज आई हैव मेड माय बेस्ट एफर्ट्स टू मेक यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स एंड इफ यू रियली फाइंड माय डिस्कशन कि आपके लिए जो मैं पढ़ाती हूँ यहाँ पे बताती हूँ वो हेल्पफुल है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू स्टूडेंट्स